अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज आपका भाई फ्री था, तो काफी दिनों बाद हमारा व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जो कि थी लाइफ के अबाउट, तो अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब कुछ कर लेना। तो आज हमारा प्लान कुछ डिफरेंट है। की वीडियो में हमने करना है जी प्राइस का चैलेंज। आपका भाई आपको बनाना भी सिखाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके भाई को फ्राइज बनाना काफ़ी पसंद है। तो अभी ये कुछ आलू हैं जिनकी आज हमने फ्राइज बनानी है, तो इनको अभी छीलना है सबसे पहले। तो एक सेकंड यार, तो आलू ये जी हमारे पास हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अभी जो है इनको हमने स्लाइसिस में काटना है। तो आपका भाई अभी काटेगा जी आलुओं को स्लाइसिस में, तो अभी हम कटिंग करते हैं इनकी। तो लेट्स मूव ऑन। आलूओं को हमने पानी में भिगो के रख दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर ना स्टार्च होता है, तो वो निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आलू आपकी जो क्रिस्पीनेस होती है आलू में वो आती है। तो अभी टाइम है इसको निकाल के धोने का आलू को, तो अभी मैं इसको धोऊंगा, फिर उसके बाद हम अगला प्रोसेस करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने डाल लिया जी मिर्च सब कुछ, तो इसको हम मिक्स करते हैं। तो हमने जो मसाले लगाए थे उसको हमने कर लिया है जी मिक्स। तो अभी टाइम है फ्राई करने का, तो हसन है मेरे साथ फिर से। तो अभी आयल हमारा ना बेहतरीन किस्म का गर्म हो चुका है, एक हम फ्राइज इसमें डाल के देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गर्म है, तो मैं इसमें सारी फ्राइज को ऐड करता हूँ। इसको अच्छे तरीके से अब फ्राई होने देंगे, तब तक फ्राई कर रहे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हल्का हल्का जब ब्राउनी शेड आ जाएगा तब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार रेसिपी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना अगर करना चाहते हो तो भाई। सो फाइनली हमने अपनी फ्राइज को रेडी कर लिया है, तो इट्स टाइम फॉर ईटिंग। आई डोंट नो कि मैंने सही बोला या नहीं। तो ये मेरी हैं, तो ये हसन की हैं। अभी टाइम है जी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, फ्राइज़ के साथ साथ हमारे साथ दो मेहमान और भी हैं, वो केचप और मायोनीज़ हैं। तो अभी चलते हैं इसको खाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। सो फाइनली हमारी हो चुकी है जी फ्राइज़ रेडी, तो मेरे साथ हसन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम फ्राइज़ को टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है, क्योंकि ये अक्सर मेरी चीज़ों का काफ़ी फ़ैन है। इसको यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हंसना मना है, इसको बोलना नहीं आता कैमरे के आगे, तो ये जिस तरह हम सबक नहीं सुनाते ये उस तरह ही बस बोलता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अभी जी आपका भाई फर्स्ट फिंगर फ्राइज को ट्राई करने लगे, आप देख सकते हो ये। तो मैं केचप को ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे केचप ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग देख सकते हैं जी, तो ये मक्खियाँ भी हमारे मेहमान बन गई हैं। तो खैर अभी जाएगा ये हमारे। खैर अभी हमारा टाइम है खाने का, क्योंकि हमें दोपहर का खाना नहीं खाया, लंच हमने नहीं किया सिर्फ इनकी वजह से। तो अभी हम इनको जरा पेट पूजा कर रहे हैं इनकी। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज की वीडियो में हमने चैलेंज कुछ भी नहीं था करना, आई थिंक कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन हमने चैलेंज बिल्कुल नहीं था करना।
तो अभी जो मैंने हसन के साथ चैलेंज लगाया है वो ये है कि बाकी की जितनी भी फ्राइज बची हैं वो इसने खानी है, वो भी एक मिनट या आधे मिनट में, जितने मिनट में, जितने सेकंड में खाता है उस हिसाब से फिर इसको हम इसका इनाम देंगे। इनाम हमारा कुछ डिफरेंट होगा कि जहाँ कहेगा मुझे इसको फिर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारा चैलेंज होने लगा है जी स्टार्ट, तो हसन करेगा ये क्योंकि इसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। सो करते हैं जी चैलेंज को स्टार्ट, 1 2 3 एंड गो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? Yeah.